मेयो अस्पताल में कोविड संक्रमित शवों के गहने तथा कीमती सामान चुराने वाले मामा भांजा पुलिस के हाथ लगे हैं। शवों को रैप करने का काम करने वाले आरोपी साल भर से चोरी कर रहे थे। तहसील पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 1,68,000 का माल बरामद किया है। आरोपी गणेश उत्तम डेकाटी मेयो अस्पताल में कोविड संक्रमित शवों के गहनों तथा कीमती सामान चुराने वाले मामा भांजी पुलिस के हाथ लगे हैं। शव को रैप करने का काम करने वाले आरोपी साल भर से चोरी कर रहे थे। तहसील पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 1,68,000 का माल बरामद किया है। तहसील अपराध नंबर 423/2021 कलम 380 भादवी मेयो हॉस्पिटल एफओ कंपनीच्या 18,000 रुपये किमतीच्या मोबाईल चोरी संदर्भात दाखल होता। तपासामध्ये हेड कॉन्स्टेबल लक्ष्मण शेंडे आणि त्यांच्या पथकाने मेयो हॉस्पिटलमध्ये कोविड-19 दरम्यान मृत पावलेल्या शरीराचे रॅपअप करण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट ज्या कंपनीला दिले होते त्या कंपनी स्किप अँड स्पॅनचे वाडबाय गणेश उत्तम डेकाते वय 24 वर्ष राहणार पार्वतीनगर PS कडमना तसेच सत्रपाल किशोर सोनकुसरे वय 25 वर्ष राहणार जुनी मंगळवारी PS लकलगन यांना ताब्यात घेतले असता त्यांनी फिर्यादी कुमारी अंजली गिरिराज तिवारी यांचे वडिलाचे डेड बॉडीवरील रॅपर करीत असताना मोबाईल चोरून नेण्याचे कबूल केले आणि तपासामध्ये पोलीस स्टेशन तहसील येथे 2020 मेयो हॉस्पिटलमधील मोबाईल सोन्याचे दागिन्याचे चोरी संदर्भात जे 5 प्रकारचे चोरीचे गुन्हे दाखल आहे ते सुद्धा गुन्हे यांनी केल्याचे कबूल केले व गुन्ह्यात चोरीस गेलेला एकूण 1,66,000 रुपयाचा माल दोन्ही आरोपीकडून हस्तगत करण्यात आला आहे। तसेच आरोपीच्या घरझडतीमध्ये इतर काही साहित्य मेयो हॉस्पिटलचे सिरीज इंजेक्शन्स PPT किट हे काही त्याच्यातून मिळाले असल्याने ते सुद्धा जप्त करण्यात आलेले आहे। दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली असून विद्यमान कोर्टातून इशारा प्राप्त करून या संदर्भात आणखी काही गुन्हे उघडकीस येतील का यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। आरोपी गणेश उत्तम डेकाटे पार्वती नगर कलमना तथा छत्रपाल किशोर सोनकुसरे जुनी मंगलवारी लखड़गंज है। गोदनी निवासी अंजलि के पिता कोविड संक्रमित होने से मेयो हॉस्पिटल में भर्ती थी। 1 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। पिता के पास 18,000 रुपए कीमती का मोबाइल था, यह चोरी चला गया था। तहसील पुलिस ने प्रकरण की जांच की तो उसे आरोपियों पर संदेह हुआ। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर उनके घर पर दबिश दी। उनके घर से संदिग्ध सामान मिल गया जिसके बाद आरोपियों ने चोरी की बात कबूल कर ली। छत्रपाल मामा और गणेश भांजा है, दोनों स्पीक एंड स्पैन कंपनी के कर्मी हैं। इस कंपनी को मेयो अस्पताल ने कोविड शव को रैप करने का काम दिया है। मरीज की मृत्यु होने के बाद वार्ड के कर्मचारी शव को रैप करने के लिए आरोपियों को सौंप देते हैं। इसी दौरान आरोपी शव के गहने नकद मोबाइल आदि चुरा लेते हैं। रैप करने के बाद शव अंत्योष्टि के लिए मनपा कर्मियों को सौंपा जाता है। आरोपियों ने अंजलि के पिता के मोबाइल सहित 6 शव से नकदी तथा गहने चुराना कबूल किया। इस मामले में 1,68,000 का माल बरामद किया गया है। आरोपी तंगी के चलते चोरी करना बता रहे हैं। यह कार्रवाई PI जयेश भंडारकर, बलराम परदेशी, PSI स्वप्निल वाघ, हवलदार लक्ष्मण शेंडे, शैलेश दाबोले, किशोर गरवारे, नजीर शेख, शंभू सिंह, पंकज डबरे आदि ने की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BC News नागपुर।